बहराइच के महाराजगंज कस्बे में हिंसा के बाद जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। हालांकि अभी भी भारी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है, बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती है। बता दें कि 13 अक्टूबर को महाराजगंज कस्बे में हिंसा भड़कने के बाद रामगोपाल मिश्रा नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रामगोपाल हत्याकांड में अब्दुल हमीद और उसका बेटा सरफराज भी आरोपी है। बता दें कि अब्दुल हमीद और उसके 3 बेटों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। इस बीच एक चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई है। दरअसल रामगोपाल मिश्रा की हत्या और हिंसा भड़कने के बाद सभी आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। अब्दुल हमीद का एक बेटा नेपाल में रहता है और वहीं बिजनेस करता है। उसकी शादी भी नेपाल में ही हुई है, इसी वजह से अब्दुल हमीद सरफराज नेपाल भागने की फिराक में थे। हालांकि नेपाल बॉर्डर पर तगड़ी निगरानी की वजह से वे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और पुलिस की गिरफ्त में आ गए। बता दें कि इस बीच बहराइच के महराजगंज कस्बे में बुलडोजर एक्शन की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन महराजगंज बाजार इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई कर सकता है। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी ने 23 मकानों को नोटिस दिया था। पीडब्ल्यूडी की तरफ से 3 दिन का समय दिया गया था, जो अब खत्म हो चुका है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर कभी भी महराजगंज बाजार में गरजना शुरू कर सकता है। पीडब्ल्यूडी के नोटिस के बाद कुछ लोगों ने अपने घरों और दुकानों में किए गए अवैध निर्माण को खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। वहीं कई लोग अपना सामान समेटने में लगे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से यही आया है कि दुकान पे नोटिस लग गई थी, हमारी किराए की दुकान है तो खाली करना ही पड़ेगा, इसीलिए खाली कर रहे हैं। क्या कहा मकान मालिक ने? क्या बोला मकान मालिक ने? बोला कि दुकान खाली कर लीजिए, जो होगा बाद में देखा जाएगा, बाद में अगर दुकान बचेगी तो फिर रख लेना। इसीलिए हम लोग दुकान खाली कर रहे हैं, घर पे ले जा रहे हैं सामान। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी हमारी। दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो होती है अचानक, फिर क्या करें। लगता है कि बुलडोजर लग तो रहा है, सिचुएशन यही कह रही है क्या लग रहा है? बुलडोजर चलेगा। अच्छा, इंटरनेट यहाँ पर नेट चल रहा है? नेट तो फिलहाल चल रहा है, लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। सर, हमारी यहाँ पे बेकरी की दुकान थी, हम केक बनाते हैं यहाँ पे, तो वही हमारी। वैसे दूसरी ब्रांच भगवानपुर में है, सेकंड ब्रांच थी हमारी, अब यहाँ से इसको हम वापस भगवानपुर ले जा रहे हैं दुकान। जी, तो क्या कहा मकान मालिक ने? मकान मालिक ने कहा था शाम को सर कि यहाँ पे नोटिस लग गई, आप अपने बचाव के लिए अपना सामान यहाँ से ले जाइए, नहीं तो सामान टूट जाएगा, नुकसान होगा आपका, इसलिए सर दुकान खाली करने के लिए। बहुत दिक्कत हो रही है सर, हमारा काफी नुकसान है, लगभग 4-5 लाख रुपए हमने यहाँ पे लगवाए थे इन्वेस्ट, अभी 2 महीने हुए सर, इतना कमाया नहीं जितना हमारा नुकसान हो गया। जी, बहुत दुख है सर। सर, देखते हुए यही लग रहा है कि पहले से यहाँ पे निशान चिन्ह लगे हुए हैं, तो दुकानें अवैध थी, लेकिन हमें बताया भी नहीं गया था, हमें जानकारी नहीं थी, हम दूसरी जगह से आके यहाँ पे अपनी दुकान की थी, खाली मिल गई थी तो दुकान कर ली, लेकिन अब नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। जी सर, जी सर, लोन अब कर्जा लेके बिजनेस होता है, नहीं तो इतना ग्रो कहाँ कर पाते हैं। अभी 1.5 साल में हमने दूसरी दुकान खोली थी, काफी लोड है, काफी प्रेशर है, और हमने 7-8 स्टाफ रख रखे हैं, काम करते हैं, और आज 1 हफ्ता हो गया सर फ्री बैठे हैं, ना यहाँ काम चल रहा है ना वहाँ काम चल रहा है, तो काफी मजबूरियाँ खड़ी हो रही हैं। बहराइच हिंसा को लेकर योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखिए, कानून कोई भी अपने हाथ में लेगा, प्रदेश को माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, कानून उस पर कार्य करेगा। विपक्ष निशाना साध रहा है कि बुलडोजर पे रोक लगाने के बावजूद भी कार्रवाई की जाए। देखिए, जो भी कानून के दायरे में आएगा, कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, उस पर ये सरकार सख्त है और उस पर अपनी कार्रवाई करेगी। अखिलेश यादव जी की सरकार में लखनऊ के राजधानी में पुलिस उपाधीक्षक को घसीटा जाता था। समाजवादी पार्टी के जो गुंडे थे उस समय पुलिस उपाधीक्षक को घसीटते थे और सरकार कुछ नहीं कर पाती थी। आज जो है, एक सिपाही की आप यदि कालर पकड़ेंगे तो आपका कलेजा निकाल लेंगे, ये कानून व्यवस्था है। वहीं बहराइच हिंसा में जान गंवाने वाले रामगोपाल मिश्रा के परिवार के लोग स्थानीय पुलिस पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजी, पुलिस की कार्रवाई से अब संतुष्ट हैं आप? पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारे समझ में ये बात आती है कि
जो हरदी की पुलिस उनके साथ थी पकड़ा, तो हरदी की पुलिस ने उनके साथ पक्ष किया, हमारे समझ में आ रहा है। अच्छा, मतलब आपको शक है कि उसने न्यायपूर्ण काम नहीं किया? न्यायपूर्ण काम नहीं किया, क्योंकि हमारी मांग थी कि हमारा लड़का जिस तरीके से मारा गया है उसी तरीके से मारा जाए, लेकिन वो हो नहीं सका। लेकिन जैसे कानून में प्रोसीजर है, कार्रवाई होती है, जांच होती है, तो अब अदालत में मामला जाएगा, उसके बाद उनके पक्ष में? हाँ, अदालत में मामला जाएगा तो उसको फिर देखा जाएगा। आज तो सामने पर है नहीं हमारे, तो उसका क्या समझे कि क्या हुआ, लेकिन जो समझ में हमारे आता है कि जो मारा गया वो हमारा लड़का, उसको तो संसार ने देखा, लेकिन ये जब मारा गया तो पांव के नीचे मारा गया, तो क्या ऊंचे पर गोली नहीं लग सकती थी? जैसे कोई आदमी भाग रहा है और भागते भागने में गोली मारी जाए भागते हुए, तो नीचे भी लग सकती है, ऊंचे भी लग सकती है। इससे हमको शक मालूम होता है कि उस पुलिस ने जो है बचा करके मारा है। हमको शक है कि गोल पर जब गोली मारी गई तो कहीं हाथ लग जाने। अधिकारियों अधिकारी अधिकारी आपको ब्रीफ करते होंगे, बताते होंगे कि ये कार्रवाई हमने आपकी बेटी की हत्या के मामले में ली है? अधिकारी लोग तो बताते हैं कि कार्रवाई चल रही है, उनके साथ सख्ती बरती जाएगी, सब कुछ किया जाएगा, लेकिन जो जैसे जो आज सामने पर आ रहा है उसको हम देख रहे हैं, सामने पर जो गुजरता है उसको हम देखते हैं कि हाँ, हमको यही चाहिए कि जो हमारा लड़का मारा गया उसी तरीके से मारा जाए, बाकी सब बातें। मुख्यमंत्री जी ने भी भरोसा दिलाया होगा और मुख्यमंत्री ने अफसरों को भी कहा है कि कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। हाँ, सख्त होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी के पास हम गए, अपना दुख सुनाया तो प्रभावित हुए और सब तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया कि तुम्हारी मदद करेंगे, तो मदद होती है, लेकिन यहाँ मौके के जो आदमी हैं उनसे थोड़ा सा हम असंतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री से फिर यही अपील करना चाहेंगे कि हम आपके पास आए थे तो ये कहा था कि जो जिस प्रकार से हमारा लड़का मारा गया है उसी प्रकार से मारा जाए, वो हमारी बात पूरी नहीं हुई, वो मारे गए लेकिन पैर के नीचे मारे गए, जिस तरीके से हमारा लड़का मारा गया था उस तरीके से नहीं मारे। गोपाल मिश्रा को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर गोपाल मिश्रा का परिवार अब सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहा है, कैंडल मार्च निकालेगा और देखिए पोस्टर के जरिए इंसाफ मांगा भी जा रहा है। मैं हूं गोपाल, न्याय दो न्याय दो, बीच में गोपाल मिश्रा का जो फोटो है वो आपको नजर आएगा। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए इंसाफ की मांग सरकार से की जाएगी, पुलिस प्रशासन से की जाएगी, हालांकि एक्शन लिया गया है। अब परिवार के लोगों का क्या कहना है, उनकी पत्नी हमारे साथ है, तो ये पोस्टर के जरिए आप क्या कहने की कोशिश? न्याय मांगने के लिए पोस्टर हम बनवाए हैं। अच्छा। हम लोग धरना देके बैठेंगे ताकि हमें न्याय मिले, इसे हम अपने घर में लगवाने के लिए नहीं बनवाए हैं। अच्छा। इसे हम न्याय मांगने के लिए बनवाए हैं, न्याय मांगेंगे इससे ताकि हमें न्याय मिले, हमारे पति को शांति मिले। अच्छा, तो कब ये धरना आप लोग देंगे, कब और कहाँ पर? प्लानिंग करके बताएंगे, ये हम लोग अभी हमारा कोई प्लान नहीं है, हम प्लान करके फिर बताएंगे। अच्छा। कहे थे कि अभी हमने कोई प्लानिंग नहीं की है, हमारे साथ जब तक हमारे सहयोगी नहीं आ जाते तब तक हम लोग कोई प्लान नहीं कर रहे हैं, हम लोग करेंगे धरना। जैसे अभी हमें कुछ समय चाहिए जिससे हम जो हमारी सरकार बोल रही है कि अभी कार्रवाई जारी है, अभी की जाएगी, इसके चक्कर में थोड़ा हम रुके हुए हैं। अच्छा, रुके हुए हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन भरोसा जता रहे हैं कि आप एकदम निश्चिंत रहिए, पूरे परिवार को उन्होंने कहा है? जी जी, उन्होंने तो बोला है कि मतलब हम करेंगे। तो हो भी रहा है, अभी 5 लोग अरेस्ट हुए हैं और मुझे लग रहा है बाकी लोग भी बहुत जल्द अरेस्ट होंगे। हाँ, तो वो लोग मतलब अरेस्ट करें, इसके बाद में जैसे कि हमारे पति को मारा गया वैसे ही मारा जाए उन्हें, हमें बाकी हल्दी पुलिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो पहली मांग ये है कि दूसरे पुलिस को जांच दी जाए। जी जी जी, हमें बाहर की पुलिस दी जाए, मैं बाहर की पुलिस की मांग है, मैं बाहर की पुलिस दी जाए, हल्दी पुलिस हटा ली जाए, बहराइच में किसी और थाने की पुलिस जाँच कर ले, हल्दी पुलिस नहीं, बाहर की आ जाए।